Hello friends, welcome to my channel Cooking Affair. Friends, आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही यमी और डिलीशियस एक डेजर्ट लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही ईजी है, कोई बच्चा भी बना सकता है और खाने में उतना ही यमी। तो इसका नाम है क्रीमी फ्रूट डिलाइट। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रूट डिलाइट है तो ऑब्वियसली कुछ फ्रूट्स जाएंगे इसमें, ड्राई फ्रूट जाएंगे। फ्रूट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी सीज़न में अवेलेबल है आप उन फ्रूट्स का यूज़ करिए। और मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप कैंड फ्रूट्स जो आते हैं, डिब्बे बंद जो फ्रूट्स आते हैं, आप कोशिश करें उसे ना यूज़ करें। और कुछ कोई भी डेजर्ट बनाने में आप उन्हीं फ्रूट्स का यूज़ करिए जो सीज़न में अवेलेबल हों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आजकल सीज़न में मैंगो काफ़ी आ रहे हैं, तो मैंने एक बड़ा मैंगो बारीक चॉप किया हुआ है, क्यूब्स में काटा हुआ है छील कर। प्लम आ रहे हैं, मैंने दो प्लम को चॉप किया हुआ है। और एप्पल, एक बड़ा एप्पल, ये भी मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून शुगर है, ये होल शुगर है, ग्राइंडेड नहीं चाहिए हमें। थोड़े से चॉप्ड नट्स, नट्स आप चाहें अवॉइड भी कर सकते हैं, पर बच्चों को खिलाने के लिए बहुत अच्छा है, तो एक आपको ज़रिया मिल जाएगा खिलाने का नट्स, तो आप इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये है फ्रेश क्रीम, और यहाँ पे मैंने ये अमूल लो फैट क्रीम यूज़ की है, और ये 1 कार्टन है 250 ml। ये है बटर, लगभग 25 ग्राम बटर है ये, इसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है। ये सॉल्ट वाला बटर है। ये है मारी बिस्किट्स, ये मैंने 25 अराउंड लिए हुए हैं। और आप चाहें तो इसके अलावा कोई भी प्लेन बिस्किट जिसमें ज़्यादा फ्लेवर ना हो यूज़ कर सकते हैं, पर इस रेसिपी में ये बेस्ट बिस्किट जाते हैं। और ये है शुगर, ग्राइंडेड शुगर, पिसी हुई चीनी मैं यहाँ अवॉइड करूँगी, पर अगर आप चाहते हैं तो 2 चम्मच शुगर आप इस क्रीम में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ अवॉइड कर रही हूँ, उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगी। और उसके अलावा यहाँ पर क्रीम में डालने के लिए मैं थोड़ा सा ये फ्रेग्रेंस उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ वनीला एसेंस यूज़ किया है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्रीम की स्मेल होती है जो वो पसंद नहीं होती है, तो उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें एक मिक्सी का जार लेना है, और हमने जो ये बिस्किट्स लिए हुए हैं इन्हें इस तरह से क्रश करके इस मिक्सी के जार में डालने हैं। आप चाहें तो आपके घर में जो थोड़ा सा सील जाते हैं बिस्किट, आजकल ऐसा मौसम है बहुत जल्दी सील जाते हैं, तो आप बिस्किट्स को क्रश करके इस तरह से सीले बिस्किट्स भी डाल सकते हैं और वो यूज़ में ले सकते हैं। ये सारे बिस्किट मैंने क्रश करके इसमें डाल लिए हैं, और अब मैं इसे मिक्सी में ब्लेंड करूँगी और इसे एक पाउडर फॉर्म में लाना है। आप चाहें तो किसी पॉलिथीन में डालकर और रोलिंग पिन यानी बेलन से इसे क्रश भी कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा फाइन पाउडर बनता है, तो मैं ये मिक्सी का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये बिस्किट का बिल्कुल पाउडर हो चुका है। अब ये जो हमारा ये मेल्टेड बटर है ये हम इसमें डालेंगे। और इसे फिर से अच्छे से एक बार फिर से घुमा लेंगे ताकि ये बिस्किट आपस में बन जाएं। ये देखिए, ये मैंने बटर डाल के इसको अच्छे से चला दिया है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से बंधने लगता है, इस तरह से। तो बटर डालने का पर्पस ही हमारा ये है कि थोड़ा सा इसको बाइंडिंग मिले। तो जो ये हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है, जिस भी आपको बोल में ये डेजर्ट तैयार करना है उसके बेस में हमें लगाना है, तो इस तरीके से हम इसे डालेंगे। और डालने के बाद कोई भी एक आप इस तरह से कटोरी ले सकते हैं या बड़ा चमचा ले सकते हैं, और इस तरह से इसे प्रेस करके हमें इसको सेट करना है इसके बेस में, इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस करें, क्योंकि यही हमारा बेस रहेगा पुडिंग का।
थे, अब हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे, तब तक बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। जब तक बेस हमारा फ्रिज में सेट हो रहा है, तब तक हम कैरमल तैयार करेंगे। इसमें हम कैरमल का यूज़ करने वाले हैं, होममेड कैरमल। मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयार होगा। ये देखिए, ये शुगर है जो मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली थी, इसे मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है इस तरीके से, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये शुगर मेल्ट होनी शुरू होगी। और ये एक प्लेट है स्टील की, जिस पे मैंने घी लगा के इसे ग्रीस किया हुआ है। घी लगा के ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैरमल जो हम बना रहे हैं वो हम इसी में ही सेट करेंगे। ये देखिए, शुगर मेल्ट होनी धीरे धीरे शुरू हो गई है और एक स्टेज आएगी जब ये बिल्कुल चीनी जो है बिल्कुल पिघल के चाशनी हो जाएगी। ये देखिए, और थोड़ा लो फ्लेम पे ही करिए क्योंकि बर्तन जलने का डर रहता है। ये देखिए, ये शुगर बिल्कुल मेल्ट हो गई है और मेल्ट होने के साथ साथ इसमें कलर बहुत अच्छा आ रहा है, कैरमलाइज कलर है। तो यही हमें करना था, शुगर को कैरमलाइज करना था और इसमें ये ब्राउन कलर, डार्क गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमें। अभी इसमें क्रिस्टल्स हैं, हमें इसे थोड़ा सा और करना है और एक स्टेज आएगी जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, कलर बहुत अच्छा आया है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। और ये देखिए, जब ये स्टेज आ जाए तब हम इसमें अपने ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो, मैंने आपको बताया था, आप अवॉइड कर सकते हैं, पर मेरा जो कैरमल मैं बनाना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा क्रंची बने, तो उसमें हल्का सा बाइट रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसे तुरंत ही हम इस तरीके से जो हमने प्लेट ग्रीस करी हुई थी उसमें डाल रहे हैं इस तरीके से, और विद इन 2 मिनट्स ये जम जाएगा। ये देखिए, इसे हम पतला लेयर में कर रहे हैं इस तरीके से, और इसे अब हम जमने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, विद इन 3 मिनट्स ये जम के बिल्कुल तैयार है। और आप इस तरीके से एक नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसे छुड़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा जल्दी आपको दिखाने की वजह से कर दिया। और ये देखिए, ये इस तरह से इजीली निकल जाता है। देखिए, ये मैंने सारा इस तरह से छुड़ा लिया है और इसमें से मैंने ये 1-2 बड़े पीसेस निकाल लिए हैं डेकोरेशन के लिए, और बाकी को हम इस तरीके से, आप बेलन भी ले सकते हैं, इस तरह से इसे क्रश करना है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, बट इसको ऐसे क्रश करना है कि ये बाइट साइज हो जाए। ये देखिए, जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये पूरी तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब जो हमने ये क्रीम ली थी, इस क्रीम में हम ये बटर स्कॉच जो हमने तैयार किया है कैरमल नट्स के साथ, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। आपने देखा, घर में ही आप इस तरह से कैरमल तैयार कर सकते हैं बहुत इजीली, और आप इसका यूज़ कई डेजर्ट्स में कर सकते हैं, लेयरिंग के लिए कर सकते हैं, आइसक्रीम्स में कर सकते हैं क्रंच देने के लिए। बटर स्कॉच आइसक्रीम में यही क्रंच पड़ा होता है। और अब इस स्टेज पे मैं ये जो मैंने वनीला एसेंस लिया था ये ऐड कर रही हूँ। ये मैं लगभग 4-5 ड्रॉप्स वनीला एसेंस डाल रही हूँ। और इस स्टेज पे अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ पे अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी मैंने यहाँ पे ये शुगरी जो आप कैरमल डाला है इससे काफ़ी ये मीठा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें 2 टीस्पून शुगर पाउडर
ये भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया। ये क्रीम मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, सिंपल फ्रिज में रखी हुई थी, फ्रीज़र में नहीं, और इसीलिए इसका फॉर्म ऐसा है, थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है। फ्रिज को हमेशा जब भी पुडिंग में यूज़ करना हो फ्रिज से निकाल के ही यूज़ करें। अब जो हमने जमाने के लिए बिस्किट का बेस रखा था वो हम लेकर आएंगे। ये हमारा बिस्किट का बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, जब तक मैंने कैरमल बनाया तब तक में ये सेट हो जाता है। अब जो हमने ये क्रीम तैयार की है, हम इसमें आधी क्रीम इसमें ऐड करेंगे और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लें। और ये देखिए, ये पूरे में लग चुका है। बिस्किट मैंने थोड़ा कम रखा है, इसे आप कोशिश करें 1 घंटे फ्रिज में रखने की, तो इसका बेस काफ़ी अच्छा रेडी होता है। और ये मैंने सारे में स्प्रेड कर दिया है। अब इस पर हमें फ्रूट की लेयरिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं ये जो मैंगो है, मैंगो इसमें स्प्रेड कर रही हूँ। एप्पल, फ्रूट्स आपकी चॉइस पर हैं, आप जो फ्रूट्स इसमें आपके बच्चों को पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, जो इजीली सीजन में अवेलेबल हो आप वो फ्रूट इसमें यूज करिए। और अब मैं ये इसमें प्लम डाल रही हूँ। ये देखने में ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और वापस से मैं एक बार फिर से ये मैंगो की लेयर दे रही हूँ। और इसे हल्का सा हमें इस तरीके से प्रेस करना है ताकि ये फ्रूट्स एक लेयर में बन जाएं, सेट हो जाएं। बहुत हल्के से प्रेस करिए इस तरीके से। जैसा मैंने आपको बताया, बनाना बहुत इजी है और खाने में लेकिन बहुत यम है। और जो हमारी ये बची हुई क्रीम थी इसकी लेयरिंग हम वापस से करेंगे। मैंने जो ये कैरमल का यूज़ किया है वो इसका प्लस पॉइंट है, उससे इसका टेस्ट अमेजिंग हो जाता है। और इसे अब हम हल्के हाथों से इस तरह से स्प्रेड करेंगे। बहुत अच्छा ओकेजन आने वाला है, रक्षाबंधन। आप एक दिन पहले बना के इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब मेहमान आने वाले हों आप इसे निकाल के सर्व करिए और सब आपकी तारीफ करेंगे खाने में, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है। और ये तैयार है। अब इसे हमें फ्रीज़र में ढक्कन लगाकर लगभग 2 से 2.5 घंटे सेट करना है, मिनिमम 2 से 2.5 घंटे करना है। और आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, निकाल और जब सर्व करना हो तो 10 मिनट्स के लिए आप इसे बाहर रख दें और उसके बाद सर्व करें, तो उससे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं इसको सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ और फिर आपको इसका लुक दिखाऊँगी कि ये कैसा दिखेगा। फ्रेंड्स, इसे मैंने बचे हुए जो मेरे मैंगो का क्यूब्स थे और ये प्लम मैंने थोड़ा सा इसे एक स्लाइस करके और उसके बारीक बारीक स्लाइस करके इसे सजा दिया है। और ये जो मैंने कैरमल बनाया था उसके बड़े पीस
जो मैंने तोड़ के अलग कर लिए थे, ये मैंने उससे इसे डेकोरेट किया हुआ है। और अब मैं इसे ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में रख दूंगी और उसके बाद इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सेट हो चुकी है। ये मैंने इसे 2 घंटे फ्रीज़र में रखा था। और अगर आप और भी ज़्यादा इसे सेट करना चाहते हैं, आइसक्रीम लुक चाहते हैं, तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पर मेरे घर में इसे ऐसे ही पसंद किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। This is how it looks. ये देखने में ही काफ़ी टेम्पटिंग है और यकीन मानिए खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप इसे घर पे बनाइए, ट्राई करिए और इसका मज़ा लीजिए, और आई एम श्योर आपके घर में सभी को पसंद आएगा। इसके अलावा मेरे वीडियोस पे और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ अपलोड किए हुए हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से नई नई डिश बनाना सीखिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रक्षाबंधन पर इस बार हो जाए यम्मी डेजर्ट। टिल देन, बाय बाय।